ओम शांति, आप सबका स्वागत है। हम वापस लौट चुके हैं माता श्री, जिसको मैं मॉम कहता हूँ, उनकी स्पाइन की सर्जरी बहुत सक्सेसफुल हुई है। आप सबकी दुआओं के कारण बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एंड हम वापस आ चुके हैं घर। 3 दिन से मैं हॉस्पिटल में था सेवा में, जो परमपिता परमात्मा ने दिए मुझे माता की सेवा करने के लिए, और हम वहाँ पर बहुत खुशहाल थे, बहुत सुखी थे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबकी दुआएं बहुत हमें काम कर रही थी हमारे ऊपर। और अब हम वापस आ गए हैं, तो चलें। आज का तो वरदान आप सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन आज हम करेंगे 12 तारीख से वरदानों की रिकॉर्डिंग। तो 12, 13, 14 और 15 तारीख आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी इसके साथ। तो चलें आज का वरदान देखें परमात्मा क्या कहते हैं। मास्टर स्नेह के सागर बन। परमात्मा चाहते हैं कि हम स्नेह का सागर बने, जैसे कि परमपिता परमात्मा स्वयं स्नेह के सागर हैं। घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भावा। अगर हमारे अंदर घृणा भाव है तो हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, और परमपिता परमात्मा या एक ऐसी इनविजिबल लेकिन बेअंत शक्ति से भी हम दूर हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर खालीपन महसूस होता है। और उस खालीपन को हम भरने के लिए खान पान, कपड़े, गाड़ी, बंगला, धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, और लास्ट में समझ आता है कि ये सब कुछ हम व्यर्थ ही भाग रहे थे। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर हमने घृणा भाव रखा तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसको ख़त्म करें, इसका फ़ायदा क्या हो, देखें इसको। परमात्मा कहते हैं नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं कि आपके मार्क्स कितने आए थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपने कितना टॉप किया, ये बात नहीं है। नॉलेजफुल ये बात हो रही है कि आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान कितना है, आप संबंधों में कितने आप अच्छे समझदार हैं, मैच्योर हैं। परमात्मा कहते हैं नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी तू आत्मा। बच्चे हर एक के प्रति मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, मानते कि नहीं आप? इंसान के पास में संपत्ति है लेकिन उसके पास में अभिमान होने के कारण वो औरों को दूर कर देता है, उसको डर है, अभिमान आता है डर से, डर के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण अभिमान आता है, और इंसान अभिमान को इस्तेमाल करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, जिसके पास में डर नहीं उसके पास में अभिमान नहीं, उसके पास में नम्रता होती है क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा होता है। लेकिन जिसके पास में परमात्मा से जोड़ नहीं है, उसको कोई ना कोई पैर चाहिए, पता नहीं पैर चाहिए जिसके ऊपर वो रख पाए, धरती चाहिए उसको, एक स्टेबिलिटी चाहिए उसको। तो वो अभिमान दिखाता है, वो स्टेबिलिटी अपनी महसूस कराने के लिए औरों को, कि मेरे पास में ये देखो, मेरे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है मेरे पास में, ये चलो फलानी चीज़ मैंने खरीदी, ये बनाई मैंने अपनी लाइफ में। उसको इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल दिखाने के लिए और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, क्योंकि अंदर अंदर इनसिक्योरिटी है। तो परमात्मा कहते हैं आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास में स्नेह नहीं है। तो मास्टर स्नेह के सागर बन, अपकारी पर भी उपकार करो। कोई आपकी बेइज्जती करे, आपके बारे में कुछ बुरा बोल दे अभिमान में आकर के, तो आपके पास में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उस अपकारी के साथ भी आप स्नेह से रह सको और उसके ऊपर उपकार कर पाओ आप। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपको एक राज समझ आ जाएगा कि उसका उपकार करने में मेरा भला है, मैं परमात्मा से वो अजूबे से उस अनंत शक्ति से मैं सदा के लिए जुड़ सकती हूँ आत्मा, अगर मैंने ये शक्ति अपने अंदर भर ली तो। कि किसी की बातों का, किसी की बेइज्जती का मुझ पर कोई असर पड़ता ही नहीं है। तो ये जिसके पास में आ गया वो सदा काल के परमात्मा की शक्ति से जुड़ा रहेगा, और उसको कोई चीज़ डगमग नहीं कर सकती, वो आगे निकलता जाएगा, तरक्की करता जाएगा वो इंसान। फिर परमात्मा कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मन बुद्धि स्टेबल रहेगी उसकी। जैसे बाप सभी बच्चों के प्रति सहम रहम और कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे बाप समान क्षमा के सागर और रहम दिल बच्चों में भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं हो सकता। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम क्षमा के सागर हम स्वयं बने, परमात्मा के जैसे बने, हमारे अंदर घृणा हो ही नहीं सकती किसी के प्रति, हम किसी को नीच समझ ही नहीं सकते, किसी को नीचा समझ नहीं सकते, हमारे अंदर घृणा हो ही नहीं सकती। ये तभी हो पाता है जब हम इस राज को समझ लेते हैं कि मेरी स्टेबिलिटी मेरे हाथ में है, मैं किसी और को अपनी शक्ति क्यों दूँ। मैं अपने आप की जो ऊर्जा है, मनोबल है, उसको मैं क्यों बांटूँ, मैं दिन भर किसी और के बारे में सोचते। ये जब समझ आ जाए तो हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, और बहुत कुछ बढ़ जाता है जो कि आप ब्रह्म कुमारी माँ के सीख सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।